नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। आज हम एक वर्ल्ड वार टू के सबसे छोटे सैनिक की रियल स्टोरी पर बनी फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोल्जर बॉय। फिल्म की शुरुआत रसिया से होती है, जहां तीन सदस्यों का छोटा परिवार नदी के किनारे बैठकर एंजॉय कर रहा होता है। उनमें सबसे छोटा सर्गेई अलेक्सकोव कहता है कि मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। तभी उनके ऊपर से जर्मन फ्लाइट जेट गुजरते हैं। वो माँ अपने बच्चे को जल्दी से झाड़ियों में छुपने के लिए कहती है, पर वो 6 साल का बच्चा कहता है कि मैं नहीं डरता इनसे, और अपनी गुलेल निकालकर जेट पर हमला करता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसका निशाना एकदम सटीक लगा और उसने जेट को तबाह कर दिया। पर जब वो आसपास देखता है तो उसके परिवार वाले जा चुके थे। सर्गेई सपने से उठता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। उसे लगता है कि वो उसकी माँ है। वो दरवाजे की तरफ दौड़ता है, पर पड़ोस की एक औरत डरते हुए वहां आती है और कहती है, थैंक गॉड तुम जिंदा हो। वो सर्गेई को बताती है कि उसका भाई और माँ मारे जा चुके हैं। छोटा बच्चा समझ नहीं पाता कि आखिर वो औरत क्या कह रही है। वो कहता है कि मैं अपने माँ के आने तक घर में ही रहूंगा। वो औरत बताती है कि जर्मन्स ने उन पर हमला कर दिया है, इसलिए उसे भागना होगा। तभी वहां कुछ सैनिक आ जाते हैं। वो औरत सर्गेई को खिड़की से भगा देती है, पर जैसे ही खुद जाने लगती है उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का लड़का अब अकेला था। उसका दोस्त या परिवार वाला कोई नहीं था उसके साथ। वो देखता है कि उसका पूरा घर जला दिया गया है। वो अपनी माँ को पुकारता है और वहां से चला जाता है। काफी देर दौड़ने के बाद वो एक जंगल में पहुंच जाता है। वो लड़का लगातार अपनी माँ को पुकारने लगता है, क्योंकि वो जंगल में कहीं खो चुका है। वो पूरी रात उसी जंगल में गुजारता है। सुबह जब वो नदी से पानी पी रहा होता है, तभी वहां कुछ सोल्जर आ जाते हैं। उन्हें देख सर्गेई पेड़ की जड़ों में छुप जाता है। उसे अपने पास से गुजरते हुए एक सांप दिखता है, पर वो बिल्कुल नहीं हिलता और ना कोई आवाज करता है। सोल्जर नदी के पास बैठकर कुछ खाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सर्गेई बचा हुआ खाना उठा लेता है। दिन खत्म होने तक वो पूरी तरह से थक जाता है। पिछले 2 दिनों से उसे खाने में कुछ खास नहीं मिला और वो बिना कोई मंजिल जंगल में पैदल चलता जा रहा था। वो थककर नीचे गिरने लगता है, पर चलना नहीं छोड़ता। उसे वहां कुछ वाइल्ड बेरीज दिखते हैं। वो उन्हें खाने लगता है, तभी उसके पीछे एक धमाका होता है। धमाके के कारण उस बच्चे को चक्कर आने लगते हैं। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, पर वो उस स्थिति में भी डरता नहीं, बल्कि कहता है, मेरे हाथ में राइफल है, मेरे पास मत आना। थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहां 2 सोल्जर आते हैं। अगले सीन में रशियन आर्मी बेस दिखाया गया है, जहां कमांडर कुजनेत्सोव अपने पेट्रोलिंग करने गए सैनिकों का इंतजार कर रहे थे। वो अपने साथ एक बच्चे को लेकर लौटते हैं, जो कि घायल और काफी कमजोर था। जब वो बताते हैं कि हम तुम्हारी साइड है, तो सर्गेई अपना परिचय देता है। वहां खड़े सैनिक हंसने लगते हैं जब वो कमांडर से हाथ मिलाता है। सभी सोल्जर उसे पसंद करने लगते हैं और उसे पानी पिलाकर कुछ खाने के लिए देते हैं। यहाँ तक कि कमांडर खुद उस बच्चे का ध्यान रखता है। एक कात्या नाम की नर्स उसके मरहम पर पट्टी करती है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे घाव पर टैंक बना दो, क्योंकि वो बड़ा होकर एक सोल्जर बनना चाहता है। यहाँ एक इंजर्ड सोल्जर उससे बात करता है और काफी खुश हो जाता है। सर्गेई कमांडर की गन और बैच को लेकर काफी फैसिनेटेड था। कमांडर भी उसके हर सवाल का जवाब देता है और पिस्टल से गोलियां निकालकर उसे खेलने के लिए देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और कहता है, मैं भी एक सोल्जर हूँ। लड़का बहुत जल्दी सही हो रहा था। नर्स कात्या कमांडर से कहती है कि उसे बटालियन के साथ ही रहने दिया जाए, पर वो मना कर देता है, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। वो उसे एक अनाथालय भेजना चाहता था। सोल्जर अपना फ्री टाइम सर्गेई के साथ बिताते। पूरे दिन उसके पास सोल्जर आते रहते। वो उसे अपने घर से आई हुई खाने की चीजें लाकर देते और अपनी दूरबीन से खेलने देते। एक दिन एक सोल्जर कमांडर के पास जाता है और कहता है कि उस बच्चे को बटालियन के साथ रहने दीजिए। सोल्जर का बच्चे के प्रति बहुत लगाव था। वो उसे अपने बेटे की तरह लगता था। उसके होने से सोल्जर्स के सीने से जंग का भार कम होगा। वही कमांडर उसे अनाथालय भेजने को लेकर अटल था। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और काफी सैनिक घायल हो जाते हैं। सर्गेई को अनाथालय ले जाने के लिए एक गाड़ी आती है। कमांडर उसके पास आता है और उसे एक लकड़ी की पिस्टल देता है। सर्गेई उसके गले लग जाता है और कहता है कि उसे उनकी बहुत फिक्र है। ये सुनकर कमांडर पिघल जाता है और अपना माइंड बदल लेता है। वो कहता है कि तुम हमारे साथ ही रहोगे। उस रात सोल्जर सर्गेई के लिए वर्दी ढूंढते हैं।
कमांडर सरगेई को उठाता है और उसे वर्दी देता है। वो उसे पहनकर भागने लगता है। अब वो एक रियल सोल्जर जैसा लग रहा था। सब उसे अपना छोटा सोल्जर बॉय बुलाने लगते हैं। वो इधर उधर भागता है, तभी जर्मन बटालियन पर एयर अटैक कर देते हैं। सोल्जर सरगेई को एक सुरक्षित जगह लेकर जाते हैं। घायल सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सरगेई खुद कुछ करना चाहता था, तो वो प्यासे सैनिकों को पानी पिलाने लगता है। उनमें से एक सोल्जर उसे अपने घर से आए लेटर को पढ़ने के लिए कहता है। सरगेई उसकी मदद करना चाहता था, पर उसे पढ़ना नहीं आता। वो झूठा लेटर पढ़ने की एक्टिंग करता है और कहता है कि उसकी गाय एकदम सुरक्षित है, पर सोल्जर कहता है कि उसके पास तो कोई गाय है ही नहीं। बाकी लोग उसे कहते हैं कि कहानी जारी रखो और वो सब हंसने लगते हैं। वो एक एक करके सबके लेटर पढ़ता है, जिससे वो सब काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम कमांडर और कात्या को बात करते हुए देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं, पर आपस में बता नहीं पाते। थोड़ी देर बाद सरगेई और कमांडर आपस में बातें करते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक सोल्जर स्टेशन अटैक के कारण पूरा तबाह हो चुका है। कमांडर उसे बताता है कि अपनी टोपी उतार कर मृत सैनिकों को सम्मान दिया जाता है। अगले दिन सरगेई कमांडर से कहता है कि उसे कोई मिशन चाहिए, तो कमांडर उसे लेटर बांटने का मिशन देता है। वो अपना टास्क कंप्लीट कर देता है और साथ ही कई सोल्जर्स को नचा देता है। अगले दिन सरगेई अपनी दूरबीन लेकर बेस से थोड़ा दूर निकल जाता है। जब वो उससे खेल रहा होता है, तभी देखता है कि सूखी घास के ढेर में से किसी का पैर बाहर निकला हुआ था। वो बटालियन की ओर जाता है और सैनिकों को इसके बारे में बताता है। सोल्जर्स उसके साथ जाते हैं। घास के पास जाने पर उन्हें दो जर्मन सैनिक मिलते हैं जो उसके अंदर छिपे थे। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और सरगेई की इंटेलिजेंस की तारीफ की जाती है। रात को कमांडर उसे एडॉप्शन के लीगल पेपर दिखाता है। अब कमांडर ऑफिशियली उसके पिता थे। सरगेई कमांडर की कात्या के लिए फीलिंग्स को जानता था, तो वो उसे लेकर कात्या के पास जाता है ताकि वो इजहार कर सके। पर वो देखते हैं कि कात्या किसी और से बात कर रही थी। वो गलत अंदाजा लगा लेते हैं कि उसकी किसी और में दिलचस्पी है। बेस पर फिर से जर्मन अटैक होता है। इस बार सरगेई सैनिकों की जरूरत की चीजें और हथियार उन तक पहुंचा के उनकी मदद करता है, पर सोल्जर उसे वापस जाने को कहते हैं क्योंकि फ्रंट लाइन पर बहुत खतरा था। जब वो छावनी में आता है, तो देखता है कि कमांडर काफी चिंता में है, क्योंकि कर्नल के साथ उसका फोन कनेक्शन टूट चुका है। एक सोल्जर को टूटे हुए तार सही करने के लिए भेजा जाता है। सरगेई उसका पीछा करता है और देखता है कि वो काफी घायल हो चुका है। वो मरते हुए सोल्जर से पूछता है कि तार सही कैसे करते हैं, और खुद जाकर तार सही कर देता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और अतिरिक्त सैनिक बुला लिए जाते हैं। 6 साल के बच्चे ने सबकी जिंदगी बचा ली थी। बाद में हम देखते हैं कि नदी के पास खड़े कमांडर और कात्या आपस में बात कर रहे हैं। फाइनली कमांडर उसे अपने दिल की बात कह देता है और पूछता है, क्या तुम सरगेई की माँ बनोगी? वो हक्की बक्की हो जाती है, पर इससे पहले वो कुछ कह पाती, वहां एक सोल्जर आ जाता है और एक लेटर देते हुए बताता है कि उन्हें बेस से भेजा जा रहा है। अगले दिन सोल्जर सरगेई को साथ लेकर नए बेस के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग इस बात से अनजान थे कि रास्ते में माइंस बिछी हुई थी। जब उनकी गाड़ियां माइंस के ऊपर से गुजरती है, तो कुछ गाड़ियां उड़ जाती है। कमांडर जख्मी हो जाता है। वहीं सरगेई का एक करीबी सोल्जर मारा जाता है। वो रोने लगता है और कमांडर के गले लग जाता है। वो घायल सैनिकों को साथ लेते हैं और नए बेस की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वो दूसरे बेस पर पहुंचते हैं, तो वहां उसे जनरल मिलते हैं। जनरल भी उस बच्चे से काफी इंप्रेस हो जाता है और कमांडर को बाप बनने पर बधाई देता है। अगले दिन उनकी डिवीजन को गार्ड बैनर से नवाजा जाता है। जनरल उसे उसका बैच देता है और सरगेई जिंदगी भर देश की रक्षा का संकल्प लेता है। एक रात उनके बेस पर अचानक हमला होता है और कमांडर एक खंडहर के नीचे फंस जाता है। सरगेई रोने लगता है और अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो और सोल्जर्स को बुलाता है, जो कमांडर को बाहर निकाल लेते हैं। अगले दिन सरगेई इंजर्ड कमांडर के पास आता है। उसके हाथ पर कमांडर को बचाते हुए चोट लग गई थी। वो लड़का अब टीम का टूट अंग बन चुका था। उनके अलावा सरगेई का कोई परिवार नहीं था। वो हर जंग में बटालियन के साथ जाता। रेजिमेंट दूसरे बेस की ओर बढ़ती है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। उसे दुनिया के सबसे छोटे सैनिक के रूप में जाना जाता है और पूरी दुनिया में उसके बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।